तो दोस्तों यहाँ हमारी पावर सप्लाई की कैबिनेट तो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर वर्क करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक डीसी बक कन्वर्टर। यहाँ मैंने इस मॉडल का बक कन्वर्टर डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉडल लिया हुआ है, जो कि 6 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। इसमें वॉल्यूम और करंट कंट्रोल करने के लिए ये दो प्रीसेट लगे हुए हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इन प्रीसेट्स को हमें स्क्रू ड्राइवर से कंट्रोल करना होता है, जबकि हम ऐसा अपने कैबिनेट में नहीं कर सकते, तो जिससे कि हमारा सर्किट डैमेज ना हो ना ही ये प्रीसेट। निकल चुके हैं, डिसोल्डर हो चुके हैं, देखिए आराम से डिसोल्डर हो चुका है। बड़ी आसानी से ये डिसोल्डर हो गया है। अब जो मार्केट में जो प्रीसेट मिलते हैं वो तो 200-250 रुपये के मिलते हैं, उसको हम पैसा क्यों खर्च करेंगे। इसके लिए हम एक नई जुगाड़ बनाएंगे। जुगाड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह के हमें वॉल्यूम कंट्रोल जो बाज़ार में मिलते हैं वो हमें तो चाहिए होंगे, जिसमें इस तरह का पीछे डिज़ाइन होना चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करना है, ये वाले यूज़ करना है। ये मार्केट में आपको, लोकल मार्केट में आपको 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे, या आप चाहें तो किसी पुराने ट्रांजिस्टर या रेडियो में से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाले हैं। ये जो है पूरा एक राउंड ही घुमाता है, पूरा फ्री नहीं घूमता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम खोलेंगे, और ये जो पत्ती है जो इसको घूमने से रोकती है इसको हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। कुछ और सोचा, ये देखिए ये जो पत्ती है इसको हमें सीधा कर देना है। ये देख रहे हैं आप, देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसको वापस से हम लगा देंगे, हमने निकाला था इसको वैसे ही हम इसको वापस लगा देंगे, इसको भी लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों अब ये फ्रीली घूम रहा है। इसको भी हम वापस से टाइट कर देंगे। अब ये जो पत्ती हम लोगों ने काटी थी इस तरह की पत्ती में से इसको हम इसमें लगाएंगे। और ये जो प्रीसेट है वो यहाँ, ये जो गौर से देखिए आप, इसमें स्क्रू ड्राइवर का एक खांचा बना हुआ है,
इस खांचे को हम इसमें फंसाएंगे और इसको हम ऐसे थोड़ा सा फेविक्विक लगा के जस्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा रोक दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा एरलाइट लगा देंगे जिससे कि ये एक मजबूत जॉइंट बन जाए और ये निकले नहीं यहाँ से। थोड़ा थोड़ा लगाना है, ये ध्यान रखना है कि कहीं इसके अंदर ही ना चला जाए, नहीं तो फिर ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ओवरनाइट छोड़ने के बाद ये प्रीसेट अब बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और इसको अब हम अपने बक कन्वर्टर में इस रिबन केबल जो कि 6 तार वाली है इससे हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। इसमें एलईडी को हमने ऑलरेडी वायर लगाकर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अभी चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस बक कन्वर्टर के कनेक्शन करने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एसी सप्लाई की, जो कि हमें मिलेगी एक ट्रांसफार्मर से। और इस ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर मैंने लिया है एक 12012 5 एम्पेयर का, जो कि कॉपर में है और काफ़ी हेवी भी है। ये आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेकआउट करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है एसी वोल्टेज देता है और जबकि हमारे बक कन्वर्टर को चाहिए होता है डीसी वोल्टेज, तो इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम बनाएंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर, जिसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको इस तरह के डायोड्स की, जो कि है ये 5408 के और 3 एम्पियर तक ये सपोर्ट करते हैं, और एक कैपेसिटर की जो कि होना चाहिए कम से कम 50 वोल्ट का और इसे आप 1000 माइक्रोफेरेड से ऊपर का आप लेना चाहिए आपको। ये मैंने पुराने सर्किट में से निकाल लिया है तो मुझे इसी की ज़रूरत हो जाएगी। तो पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायोड में ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग है, देखिए है, तो ये इसका पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो डायोड के दो लेग्स सिल्वर वाली लेग्स आपस में हम लोग जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लिए और ऐसे ही हम इसकी नेगेटिव वाली साइड जोड़ लेंगे, देखिए इसकी नेगेटिव अब इन दोनों को हम ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए दोस्तों ये सिल्वर वाली जो लाइन दिख रही है ये साइड हो जाएगी पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगी नेगेटिव साइड, और इन दोनों पर हमें ट्रांसफार्मर के एसी वाले तार यहाँ लगाने हैं, मतलब सेकेंडरी साइड वाले ये जो हैं, देखिए ये तो मेन लाइन में कनेक्ट होंगे, ये जो आउटपुट के जो तार हैं ये देखिए ये 0 हो गया, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, तो 12 12 मिलकर के बन जाएंगे 24 वोल्ट। तो ये दोनों तार हम कनेक्ट करेंगे कहाँ, ये एसी वाली साइड पर यहाँ पर, और ये सिल्वर वाली साइड और ब्लैक वाली साइड ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। और एक कैपेसिटर, इसको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस
लिखा हुआ है, तो ये माइनस वाला साइड हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसको हम माइनस पे कनेक्ट कर देंगे और इसको प्लस पे कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो हमारा ये बन जाएगा रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से बना करके पीसीबी में लगा लिया है, तो ये मेरा बन गया। इसमें मैंने मार्किंग भी कर लिया प्लस और ये माइनस, और ये सीधा बक कन्वर्टर में ऐसे ही कनेक्ट हो जाता है, तो देखने में भी थोड़ा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा लगता है, ठीक है। और ये दोनों इसके बक कन्वर्टर के आउटपुट हो जाएंगे, यहाँ ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 3 दिन के इंतज़ार के बाद ये पेंट सूख चुका है हमारी कैबिनेट का, और ये पहले से काफ़ी सुंदर भी लग रही है। जब तक ये पेंट सूख रहा था, इस बीच मैंने लकड़ी के ये टुकड़े भी काट लिए जिस पर मैं ट्रांसफार्मर को माउंट करूँगा और इस पर सर्किट को माउंट करूँगा इन नट बोल्ट्स और क्लैम्प्स की मदद से। तो चलिए इनको ट्रांसफार्मर को उसके ऊपर लगाते हैं और अपने सर्किट कंप्लीट करके करते हैं। ये देखिए, इस पर हम पहले ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। इसको हम ऐसे, ये क्लैंप्स को हम इस पर लगाएंगे। इसको भी लगा लेते हैं, ये फिक्स हो गया है। ये क्लैंप मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए लगाए हैं जिससे कि ये हमेशा ऐसी पोजीशन में रहे। किस तरह की पिन का यूज़ करेंगे, जिसे बनाना पिन कहते हैं, इसको मैं यहाँ से फिट कर देता हूँ। और नट से इसको टाइट भी कर देता हूँ, क्या टाइट। ये दोनों बनाना पिन लग चुकी हैं, ये मैं इस तरह का स्विच इसमें यूज़ करूँगा। ये केबल्स इसके साथ ही आती हैं वोल्टमीटर मीटर के साथ में। तो दोस्तों अभी इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरी सप्लाई से इस एमीटर को इंटीग्रेटेड सप्लाई दें, या फिर इसके लिए अलग से कुछ सर्किट लगाएं, यानी कि इसको 4 to 5 वोल्ट्स अलग से सप्लाई दें। तो क्योंकि पहले मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ एसी से सप्लाई देने के कारण, तो मेरे 2-3 एमीटर ऐसे ही ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अब मैं रिस्क नहीं लूँगा और इसको अलग से मैं एक सर्किट भी दूँगा। तो मैंने एक ये सर्किट की जुगाड़ करी, एक पुराने चार्जर से मैंने ये 5 सर्किट मैंने निकाल लिया जो कि 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, और इससे मैं अलग से इसको सप्लाई दूंगा, जिससे ये कभी इसमें जैसे 30 वोल्ट भी आता है तो 30 वोल्ट इसमें डायरेक्ट नहीं जाएगा, इससे 5 वोल्ट जाएगा, तो ये हमारा सेफ रहेगा। सबसे पहले तो इसके ब्लैक को इस सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ना होगा, तो हम पहले कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी सप्लाई के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और इसका जो ये रेड वाला पार्ट है, ये हम इस आउटपुट के नेगेटिव से जोड़ेंगे। क्या है कि ये एमीटर का आउटपुट है और एमीटर हमेशा सप्लाई के
सीरीज में ही जोड़ा जाता है, तो इसको हम यहाँ 5 वोल्ट चार्जर जो हमने लिया था इसको हम इन दो पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ देंगे, रेड वाले को रेड वाले से और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से। और इस रेड वायर में ये मल्टीमीटर सॉरी वोल्टमीटर एमीटर का येलो वायर भी कनेक्ट रहेगा। इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन भी हम इसमें कर देते हैं। अभी पहले इसको हम लोग यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी कनेक्ट कर दिया हमने, इसको भी लगा देते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम बनाना पिंस का यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐसे दो क्रोकोडाइल क्लिप्स लगा करके बना लेते हैं। ये लग चुका है। अभी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए हम ये एसीपी पैनल की जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी टेस्टिंग भी हम लोग कर लेते हैं। तो जिसके लिए पहले तो हम ये नॉब लगाते हैं। लग गया। और इसमें पावर केबल लगा करके इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। स्विच ऑन करते हैं। देखिए ये पावर लाइट भी एलईडी ग्लो हो रही है। ये ऊपर वोल्टेज की रीडिंग आ रही है, नीचे एम्पीयर्स की रीडिंग आएगी इसमें। ये नीचे वाले नॉब से हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हम इसकी एम्पीयर्स। तो एम्पीयर्स हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमने इसको लोड पर ले रखा हो, तो लोड के अकॉर्डिंग ही वो इसमें से करंट
ड्रॉ करता है। तो सबसे पहले हम अब इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं जो हमने बनाए थे बनाना प्लग से, रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में। देखिए देखते हैं मैक्सिमम करंट कितना होता है, 0.53 दे रहा है। टू पॉइंट एट, ये टोटल 7 एम्पियर तक जाएगा। मैक्सिमम ये ना जाएगा। अभी हम इसको कम कर लेते हैं क्योंकि ये क्रोकोडाइल क्लिप्स भी गर्म होने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक गियर मोटर लेते हैं 6 वोल्ट की, इसको चला के दिखाते हैं आपको। थ्री पॉइंट एट वोल्ट पे चल रही है। अभी देखिए जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये करंट बहुत कम, 0.1 एम्पियर से भी कम ले रही होगी तो इसलिए यहाँ करंट शो नहीं कर रहा है। अभी देखिए इसकी जगह हम यूज़ करते हैं अब एक ये मोटर जिसे DC 775 मोटर कहते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग। यहाँ 12 वोल्ट लगाते हैं, 12 वोल्ट पर हम लोगों ने सेट कर दिया इसको। ये हो गया। अब देखिए देखिए 12 वोल्ट पे 0.335 एम्पियर करंट ये ले रहा है, तो बड़ी आसानी से ये चल रही है। हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। करंट कम करेंगे तो सब कुछ कम हो जाएगा। देखिए ये 0 करंट हो गया, स्टार्टिंग करंट ही इसका 0.07, 0.1521। चलो तो ठीक है दोस्तों, अब हम एक और इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इस पावर सप्लाई से, वो है बैटरी को चार्ज करना। जी हाँ दोस्तों, हम कोई भी बैटरी इससे चार्ज कर सकते हैं। बस क्या करना है, हमें करंट सेट करना है इसका और वोल्टेज सेट करना है। तो देखिए जैसे लिथियम आयन सेल है ये 14500, इसको सॉरी प्लस में, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसका वोल्टेज सेट करना पड़ेगा 3.6 वोल्ट। और जितना इसका करंट होता है उससे 10%, अगर ये 2000 mAh का है तो 0.2, जनरली हम 500 mAh ले सकते हैं। तो शॉर्ट करके हम चेक करते हैं, 0.6 आ रहा है, 0.6 और कम करें 0.55। इस सेटिंग पर हम लिथियम आयन सेट भी से चार्ज कर सकते हैं। और जनरली जो लेड एसिड बैटरीज आती हैं जो UPS वगैरह में होती हैं, उसमें करंट वोल्टेज और करंट चार्जिंग करंट और चार्जिंग करंट और चार्जिंग वोल्टेज दोनों दिया रहता है, उसको हम सेट करके उसको चार्ज कर सकते हैं। हाँ बस इन्वर्टर की बैटरी हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसके एम्पियर्स ही इतने ज़्यादा होते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको चार्ज करने में, इतना नहीं कर पाएगा। ये छोटी बैटरीज आराम से चार्ज कर सकते हैं, सेल भी चार्ज कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पावर सप्लाई, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और सारे कंपोनेंट जो जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन तो मैं लिंक मैं दे ही दूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मैं मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रिकल दोनों तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आपको अपना समय देने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी।